अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टू द पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया खरामत। नाज़रीन, जब बात आती है कराची की और स्पेशली उसके मसाइल की, तो बहुत से स्टेक होल्डर्स का नाम हमारे सामने आता है जिनसे आवाम को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाह इकदाम ना उठाए जाने की वजह से आवाम को हर बार नाउम्मीदी का सामना करना पड़ता है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, सीनियर लीडर हैं MQM पाकिस्तान के, मेयर कराची भी रह चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, जैसे कि आपको पता है कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाला शहर है, लेकिन जब उसके मसाइल की बात आती है तो हर बार उसको इग्नोर कर दिया जाता है। एक वक्त था जब आप कहते थे कि वी ओन कराची, लेकिन जब आज हम देखते हैं तो कराची के मसाइल को कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है। आपका क्या मौकफ है, कौन जिम्मेदारी लेगा कराची का, कराची के मसाइल का कौन जिम्मेदार है? जब ये एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1978 में, APMSO और पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो उस वक्त मेरे ख़्याल में कराची की आबादी में जो सबसे बड़ी इकाई जो थी या होगी, वो मैं समझता हूँ कि महाजिर थे, जिसमें उर्दू स्पीकिंग भी हैं, जिसमें गुजराती, मेवाती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी और इसी तरह के हरियाणवी, पूर्वी, तो कोई 12 जबानों, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले जो हैं वो मिल, जो इंडिया से आए थे, जिनके जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में जिस तबके ने एक नुमाया और बड़ा किरदार अदा किया था, जो वहाँ के मुसलमान हैं जो हिजरत करके पाकिस्तान में, तो एक महसूस ये होता था कि ये एक कोटा सिस्टम आया और कराची को इग्नोर किया गया और मेरिट का कत्ल हुआ, और अच्छी मेरिट, अच्छे नंबर्स, अच्छे ग्रेड रखने के बावजूद भी कराची हैदराबाद सक्कर के तालिब इल्म डॉक्टर बनने में उनको दुश्वारी थी, इंजीनियर बनने में उनको दाखले नहीं मिलते थे, फिर इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो, लॉयर बनना हो, या फिर नौकरियां, सरकारी नौकरियां, तो वहाँ पर भी उनका प्रॉब्लम था। तो ऐसा महसूस होता था कि शायद इन शहरों में चूँकि अक्सरियत इस एक इकाई से ताल्लुक़ रखने वालों की, तो शायद इनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज़ या नाइंसाफ़ी हो रही है, और इसी वजह से फिर ये APMSO बनी कि अच्छा भाई ठीक है, अगर हमें आप फर्जंद ज़मीन नहीं समझते, हम इंडिया से शायद आए थे और बाकी लोग यहाँ पहले से रहते हैं, अगर ऐसा है तो चले हम भी अपनी एक यूनिटी बना कर एक अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, एक पोलिटिकल पीसफुल जद्दोजहद करते हैं। अच्छा, फिर वो जद्दोजहद हुई, बहुत अच्छी मिडिल क्लास ऑर्गेनाइजेशन बनी जो पाकिस्तान के लिए भी बहुत प्रॉमिसिंग होती, लेकिन कुछ MQM के ख़िलाफ़, हमारे ख़िलाफ़ जो साजिशें हुई, और कुछ फिर हमने हिमाकतें की, बड़ी गलतियां की, जिसकी वजह से वो सियासी अमल अब जो है वो बहुत ज़मीन पर गिर आ गया है, मतलब ये कि अब उसमें वो सकत नहीं रही। अच्छा, अब ये 30-35 साल के बाद अब जो सूरत हाल है, तो मसाइल वहीं पर है जो आपने कहा कि अब पानी का मसला और संगीन है और उसका तवज्जो देने वाला कोई नहीं, 65 करोड़ गैलन पानी की कमी है, फरसूदा सीवरेज की लाइनें 70-70 साल पुरानी, कोई बईद नहीं, अभी चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने लाइन फटी थी और पूरा जो हमारा वो जो एरिया कहलाता है VIP एरिया, वो सारा का सारा इनंडेटेड था, डूब गया था, यानी बारिश के पानी में नहीं, गटर के पानी में, कचरा उठाने का कोई निज़ाम नहीं, एक लैंडफिल साइट है चक्रा गोट पे, जाम चाकरो पे, वेस्ट में कराची के, एक तो अब तक 6 कम से कम लैंडफिल साइट्स होने चाहिए कराची के चारों तरफ, वो नहीं। इसी तरह सर्कुलर रेलवे कई सालों से सुन रहे हो बहाल होगी, उसका ट्रैक भी मौजूद है, फिर भी तो गुज़िश्ता 12 सालों में ये उम्मीद थी कि शायद अब बड़ी जमातें वापस आ गई हैं, सिंध पीपल्स पार्टी के हाथ में है, सेंटर PMLN के हाथ में था, नवाज शरीफ और फिर जो थे वो शाहिद खाकान अब्बासी, लेकिन फिर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सर, प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर, जैसे आपको पता है, 162 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया, लेकिन उस पर कहाँ वो पैकेज क्या कुछ पता नहीं है, आप क्या समझते हैं कि वो पैकेज एक अनाउंसमेंट की हद तक था? अच्छा, अब
जब थोड़ा बड़ा पैकेज अनाउंस हुआ पीटीआई की तरफ से और वो एमक्यूएम जिसने मुझे अपने से अभी अलग किया हुआ है और मैंने भी अपना रास्ता अलग कर लिया, लेकिन मैंने नई पार्टी नहीं बनाई, मैंने किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। मुझे पीएमएलएन की तरफ से सबसे ज़्यादा है कि मैं ज्वाइन करूँ, पीटीआई की तरफ से उसके बाद है, गवर्नर इमरान इस्माइल की तरफ से मैसेज है कि उनसे मिलूँ, फिर अब मुराद अली शाह साहब ने भी मुझे ये मैसेज दिया कि उससे मिलना चाहते हैं। तो सर उम्मीद है कि आप किसी पार्टी को इन फ्यूचर ज्वाइन करेंगे? नहीं, मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा, इसलिए कि मेरी शनाख्त या मेरी जो आइडेंटिटी है कि कराची से अहम पाकिस्तान में कोई और शहर है नहीं, कौमी शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, पाकिस्तान की हर जबान बोलने वाला यहाँ है, पाकिस्तान के हर इलाके का पाकिस्तानी है। और पहले अगर महाजिरों की यहाँ ज़्यादा नुमाया अक्सरियत थी तो अब इसमें बाकी जबान बोलने वाले भी मुनासिब तादाद में मौजूद हैं। तो आप इंडिविजुअली फिर कराची के लिए काम करेंगे? तो मैं अपने उस 35-40 साल के तजुर्बे को बरूएकार लाकर अब मैंने ये मशवरा दिया कि मुझसे तुम अलग रास्ते अख्तियार कर लो, लेकिन मैंने खालिद मकबूल सिद्दीकी को मशवरा दिया था अपने सियासी तजुर्बे अक्यूमन विजन की रोशनी में कि हुकूमत में वजारतें ना लें। माजी में भी हमने मार खाई, वजारतें ली, मराते ली, मफादात ले ली, ये ना लें। आप कराची के लिए बहुत अच्छा पैकेज लें और उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन हो उसकी मॉनिटरिंग करें। जो आपके अगर कुछ कोर इश्यूज हैं मिसिंग पर्सन के या कुछ बेगुना असीर हैं या जो कोलैटरल डैमेज हो गया कुछ उनको पकड़ने में जराइम पेशा लोगों को, तो बेगुना भी बहुत सारे लगे, तो उसका इजाला कराएं और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करें। तो देखें ना, खालिद मकबूल या एमक्यूएम पाकिस्तान में ये एक्यूमेंट नहीं था कि वो 1100 अरब का पैकेज मांगते हैं। इसका मतलब है कि आप एमक्यूएम पाकिस्तान से अलग होने के बाद भी उन्हीं के साथ ही हैं? नहीं, देखें मैं उसकी जो फाउंडेशन थी ना कि अवामी सियासत, नज़रियाती सियासत, मिडिल क्लास, अर्बन, एजुकेटेड सियासी अमल, ये पाकिस्तान में इतनी मुनफरद तंजीम कोई नहीं है जिसमें आम आदमी गन्ने की मशीन चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला MNA MPA बनता हो, ट्यूशन पढ़ाने वाला एक शख्स जो ट्यूशन पढ़ा के डॉक्टर बना हो, वो कराची जो उस वक्त 1.25 करोड़ का शहर था उसका मेयर बन जाए। मेरे ख्याल में ये मैजिक है, ये वो फिनोमिनन है जो मिडिल क्लास को एम्पावर किस तरह करना है, यूथ की मोबिलाइजेशन, मिडिल क्लास, अर्बन एजुकेटेड यूथ, ये पॉलिटिकल फिनोमिनन नहीं है। तो मैं उस स्पिरिट और उस एमक्यूएम की सोल को लेके चल रहा हूँ। जिसम मेरे पास नहीं है, वो आमिर खान के पास है। खालिद मकबूल हाईजैक्ड है, बेहतर आदमी है, वो मेरे साथ खड़े हो जाएं या मैं उनके साथ, हम और हम दोनों फैसला कर लें कि इस एमक्यूएम को हमें 84 की यूथ, अर्बन, मिडिल क्लास, एजुकेटेड, तो ये पूरे पाकिस्तान को लीड करेंगे और असल तब्दीली यही लाएगी। कोई चांसेस है कि एमक्यूएम पाकिस्तान आप अगेन ज्वाइन करेंगे? देखिए मैं तो उससे अपने आप को अलग समझता ही नहीं हूँ, ये अब उन पर मुनसर है कि क्या उन्हें मेरी ज़रूरत महसूस हुई है जो बदतरीन और नाकिस तरीन और नाकाम तरीन कारकर्दगी उनके मेयर की थी कि 400 अरब मिलने चाहिए थे, 4 साल में नहीं मिले, मैं इसकी हिमायत करता हूँ, लेकिन जो 40 अरब मिले आपको डेवलपमेंट के, उस 40 अरब में आपने ना मलीर का सीवरेज ठीक किया जो 50 करोड़ में हो सकता था, ना औरंगी टाउन और बलिया टाउन का पानी जो 51 अरब रुपए में ठीक हो जाता, और लियारी और ओल्ड टाउन उन मेयर का पानी कहना था कि मुझे जो है ना ही वसाइल मिले, ना ही मेरे पास इख्तियारात थे जिसकी वजह से मैं कर नहीं सका, तो 4 साल वो उस सीट पर क्यों मुसल्लत रहे जब उनके पास इख्तियारात ही नहीं थे? देखें जब चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया कि कितने शर्म की बात है पूरे पाकिस्तान बनाने वालों, उनकी मौजूदा नस्ल जिसके ये नुमाइंदे हैं जिन्होंने ये वोट लिए और कहा अपनों का वोट अपनों के लिए, अपनों का जो अपना अपना बनेगा मेयर, तो कितने मान से इन्हें मेयर बनाया था। अच्छा लेकिन जब मैंने इनसे कहा कि भाई आपको अब तक 10 अरब रुपए मिले हैं तो मुझे बताएं कि आपने क्या काम किया और आपके तरजीहात क्या हैं, तो मुझे 3 महीने तक चुरंगी घुमाई लेकिन मुझे कोई हिसाब नहीं दिया। अब खालिद मकबूल भाई भी अगर डमी सरबरा है और बाकी हर आदमी अपनी जगह पर सरबरा है तो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, इतने सारे बावर्ची अगर एमक्यूएम की देख पर लगेंगे और सभी ऑटो पर चल रहे हैं, कोई किसी को जवाबदेह नहीं है, तो फिर करप्शन को कौन रोकेगा, ज़मीन पर कब्जों को कौन रोकेगा, जो
गुज़िश्ता 10-15 सालों में बिगाड़ आया था उसको कौन रोकेगा। मेरी लड़ाई इन्हीं बातों पर थी, इन्हीं उसूलों पर थी कि नज़रियाती सियासत बनाएं, आप डाइवर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी करें। MQM के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के 65% यूथ के हाथों में दें, नए लोग इलेक्ट कराएं, सिर्फ 35% लोग सीनियर हों 35 साल से बड़े। इसी तरह बल्दिया के लिए भी ऐलान करें, खालिद भाई मेरे साथ बैठ के ऐलान करें कि भले फारूक भाई अभी अलग हैं, हम अलग हैं, लेकिन हम दोनों कहते हैं कि अगला मेयर 35 साल से कम उम्र का होगा। एनर्जेटिक, पैशनेट, डायनामिक, विजनरी। कैसे डेवलप हुआ जो पुराने साबिक मेयर हैं उनकी नाकिस कारकर्दगी को देखकर आपका ये ओपिनियन डेवलप हुआ कि अब एक यंग मेयर ही कराची के लिए कुछ कर सकता है? मैं जब मेयर बना तो 27.5 साल की उम्र थी मेरी, मुस्तफ़ा कमाल 33 साल की उम्र में मेयर बने। तो मैंने लंदन में उस वक्त जब MQM लंदन से चलती थी तो MQM के बानी को अल्ताफ हुसैन साहब को मशवरा दिया कि यंग मेयर बनाए, लेकिन उन्होंने हमारे सामने 4 चॉइस रखी, वसीम अख्तर साहब थे और 3 और लोग थे, तो कोई 17-18 लोग थे वोट दे रहे थे, उसमें से 12 वोट फिर जाहिर है कि वसीम अख्तर लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर रहे थे तो और सीनियर थे तो फिर उनको दिया, कोई यंग तो था ही नहीं उसमें, तो इसलिए उनको फिर ज़्यादा वोट मिल गए। लेकिन हम सब ने कहा था कि किसी यंग को लाएं, जैसे मुस्तफ़ा कमाल को लाए थे, जैसे मुझे आपने मौका दिया कोई यंग, लेकिन वो नहीं माने, तो इसलिए फिर वसीम अख्तर साहब। अगर कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखें तो एक जो पैकेज अनाउंस हुआ था ग्रीन लाइन बसेस का, तो 2016 में पैकेज अनाउंस हुआ था मुस्लिम लीग नून की दौर में, लेकिन अब तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आपको लगता है ये कभी कंप्लीट हो पाएगा या आवाम का ये ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकेगा? पहली बात तो अगर लाहौर में ये बसों का निज़ाम आ गया तो कराची वाले ये सोचते हैं कि फिर कराची में क्यों नहीं आया। नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आज़म नहीं थे, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, और कराची से ज़्यादा अहम कोई शहर नहीं। अल्लाह ना करे कराची में बुशरा जैदी का एक सानिया हुआ था 84 में, और उसके बाद कराची में ये रद्द अमल आया था और कराची वाले एक जगह जमा हुए, और उस वक्त ये APMS और MQM बनी थी, तो लोग जोक दर जोक MQM में आ गए। तो इसका मतलब ये कि अगर फिर कोई सानिया होगा, फिर कोई बेटी इसी तरह अल्लाह ना करे किसी मिनी बस या उसके उससे कुचल जाएगी, तो फिर कराची के तलबा और तालबात किसी की नहीं सुनेंगे, वो सड़कों पर आ जाएंगे और वो सबको अपना दुश्मन समझेंगे। तो यहाँ के लोगों की साइकी को समझना है, तो अगर वहाँ बस आ गई तो यहाँ आ जानी चाहिए थी, इट्स ऑलरेडी टू लेट, अब आ जानी चाहिए। नंबर दो, अगर वहाँ एक ट्रेन का इफ्तिताह हो गया मेट्रो ट्रेन का तो कराची में भी हो जाना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब ने मेरे सामने इस गलती का इतराफ़ किया कि हमें यही करना चाहिए था जो फारूक भाई आप कह रहे हैं, इसीलिए चाहते कि अब हम आपके हवाले करेंगे कराची और सिंध, आप बस हमारे साथ आ जाएं। लेकिन मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि मैं आपके साथ आऊँ, हाँ जिसकी भी यहाँ नुमाइंदगी हो आप उसको सपोर्ट करें। अगर आप मरकज़ में हैं, PTI मरकज़ में, तो वो भी, और PTI को तो कुछ ज़बरदस्ती हमारी सीटें दी गई, कुछ उनका नेचुरल वोट बैंक, जब 14 MNA बन गए तो उन्हें तो ये बसों का भी निज़ाम जल्दी मुकम्मल करना चाहिए था। और इससे और सर्कुलर रेलवे, बसों के साथ कराची में सर्कुलर रेलवे का निज़ाम, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हर कराची के जो प्रोजेक्ट्स में जब वो करते हैं हियरिंग तो वो कहते हैं कि आप कंप्लीट करें, और कंप्लीट नहीं हो रही है। सर आप क्या समझते हैं क्या वजूहत है, इतने पैकेज अनाउंस होते हैं, अभी 1100 अरब का भी जो है पैकेज अनाउंस हुआ अभी सितंबर में हुआ, उस पर भी 3 माह गुजर चुके हैं लेकिन कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं उठाए जा रहे, आप क्या समझते हैं इतने मनसूबे बनते हैं, इतने पैकेज अनाउंस होते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाते, गलती किसकी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है या फेडरल गवर्नमेंट के पैकेजेस जस्ट अनाउंसमेंट की हद तक होते हैं? आपके सवाल के जवाब में आखिर में मैं सलूशन दे दूंगा। देखिए इस डिबेट में जाएंगे तो सभी अपने क्रेडिट में सारी कि बस मुझे क्रेडिट मिल जाए, सबने ये नहीं सोचा कि अगर सूबाई हुकूमत के पास भी इख्तियार है, 18वीं तरमीम नहीं उससे पहले भी इख्तियार था आईन में है, तो हमें सबको मिलकर भी कुछ काम करना, और कराची शहर और पाकिस्तान दोनों के लिए अब कोई एक लीडर या एक जमात इसके मसाइल को हल कर सके और मुल्क और कराची 22वीं सदी में जाए, ये पॉसिबल ही नहीं। पहली बात तो ये रियलाइजेशन, अल्लाह करे हमारी सियासी बरादरी में जो सियासी अकाबरीन और लीडर हैं उनमें ये अकल आ जाए कि मैं अकेला और मेरी जमात कराची
को 22वीं सदी में नहीं ले जा सकते, और अगर कराची 22वीं सदी में नहीं जाएगा तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। अब मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूँ, पहले तो ये रियलाइजेशन होता है, तो गलती सभी की है, मिलके किसी ने काम नहीं किया। अली जैदी भी कचरा उठाने आए, मेयर नाकाम हो गया, तो और सईद गनी और नासिर शाह भी आए, कचरा किसी ने नहीं उठाया, लोगों की आंखों में धूल झोंकी, कचरा किसी ने नहीं उठाया। तो इसका मतलब कोई भी अकेला नहीं कर सकता, मतलब ये कि इन सबको साथ बैठना होगा। तो मैंने ऐसे सॉल्यूशंस दिए हैं पिंडी वालों को भी और इस्लामाबाद वालों, सिंध कराची अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अगर असद उमर ने दिया तो सिंध के सीनियर अकाबरीन सियासी रहनुमाओं में से किसी ने दिया तो मैंने, मैं बहुत सारी चीज़ें लिखकर भेजता हूँ। तो मैंने उसमें क्या कहा कि पहले तो 140A की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट से कराएं, फारूक सत्तार की 4 साल से वहाँ पिटिशन पड़ी हुई, वो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिट कर दे, असद उमर ने मेरी देखा देखी अभी पिटिशन डाली तो चले, मेरी उसकी दे राय दुरुस्त है, चले वसीम अख्तर को इख्तियार ना मिले, और ये वसीम अख्तर नहीं पूरे मुल्क के बल्दियाती इदारों और पूरे मुल्क के मेयर और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को इख्तियार मिलेगा तो सबका भला होगा, पार्टिसिपेटरी जमहूरियत आ जाएगी, अवाम की शमूलियत शिरकत हो जाएगी फैसलों में पॉलिसी में, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर शहरी सहूलतों में वो उनका अपना किरदार आ जाएगा, यानी कराची वाले कराची के मसाइल का हल करें, वो किसी के मोहताज ना होना, सूबे के वजीर आला के ना वजीर आजम के, इतना इख्तियार इतना वसाइल आइन में उनको मिल जाएगा 140A, इसकी इंटरप्रिटेशन हो जाए। दूसरा आर्टिकल 160 में 8वां कौमी मालियाती कमीशन बनना है, नेशनल फाइनेंस कमीशन, वो बने, सूबों को ज़्यादा वसाइल चलेंगे, 7वें कौमी मालियत, वो वसाइल कुछ कम करके 18वीं तरमीम का झगड़ा ना खड़ा करें, कराची को डायरेक्ट वफाक के कंट्रोल में ना दे, बल्कि 8वें कौमी मालियाती कमीशन का जो अवार्ड हो उसमें मरकज के वसाइल सूबों को भी मिले, और अब सूबों के साथ साथ कराची लाहौर पेशावर क्वेटा ये तो चारों सूबों के बड़े शहर, फिर लड़काना नवाबशाह गुजरांवाला सियालकोट बाकी शहरों मुल्तान भागलपुर इनको भी मरकज से डायरेक्ट पैसे मिले, ना हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चौखा, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो ये सॉल्यूशन इतने साले सालों के तजुर्बे के बाद अल्लाह ताला ने इन्हीं चीज़ों में, मैं समझता हूँ कि मेरी जो वक्त के साथ जो ट्रेनिंग हुई वो इन चीज़ों की हुई। मैं मुफ्त मशवरे इमरान खान को देने के लिए तैयार हूँ। देखिए 162 अरब का पैकेज दिया, सब 162 अरब का पैकेज भूल गए जब कराची में गैर मामूली बारिश हुई, ना MQM पाकिस्तान मांगने वाले ने 1100 अरब मांगे कि 3 साल में मुझे इतने चाहिए, जबकि मैंने कहा था कि आप हर साल 400 अरब मांगे, 4 साल में 1600, 3 साल में 1200, ये मैंने लिख के दिया कि ये डिमांड करें, ये पैकेज मांगे, 4 साल में 162 अरब तो ऊँट के मुंह में जीरा है, पीनट है, कुछ नहीं है, तो ये नहीं किया। और जो PTI भी अब कराची की एक पार्टी है, ज़्यादा वोट उसे भी मिले, तो देने वाले ने भी अपने मंशूर में कभी नहीं कहा कि हम कराची को 1100 अरब देंगे, ये तो कराची वाले डूबे और कराची डूबा तो किसी को ख्याल आया, रियासती इदारों के बड़े भी आए और हुकूमती उसके बड़े भी आए, तो जाके कराची को ये 1100 अरब के पैकेज का अनाउंसमेंट मिला। एक अनाउंसमेंट तो हो गई है, क्या उस पर अमल हो पाएगा? उसका भी मैंने तरीका दे दिया इसी कराची अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में, कि जहां मैंने कहा आर्टिकल 160 के तहत डायरेक्ट शहरों को फंडिंग दे, 1100 अरब डायरेक्ट मिले किसी सूबाई हुकूमत से ना। दूसरा मैंने कहा कि 140A की इंटरप्रिटेशन करा ले तो इख्तियारात और वसाइल का मसला बल्दियात का हल हो जाएगा। तीसरा ये जो आपने कहा कि ये पैसे मिलेंगे और अगर मिलेंगे तो क्या सही खर्च होंगे, अगर माजरत के साथ जो हमारी मौजूदा MQM है और जो मेयर की कारकर्दगी, अगर इन्हें ये पैसे मिलते तो इनसे मुझे उम्मीद नहीं कि पैसे सही। इसी तरह जो पैसे जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसको बेतहाशा वसाइल मिले 7वें कौमी मालियाती कमीशन में और 18वीं तरमीम में भी, लेकिन उन्होंने भी कराची और भाई वो लड़काना और नवाबशाह को नहीं बना सके तो कराची को कहाँ से बनाएंगे। तो कराची के साथ तो सुल्तानी माँ का सलूक होता ही है, पर इस बार जिस तरह का उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ कि उनके PRC उनके डोमिसाइल पर उन्हें ही नौकरियाँ नहीं मिली, जो बाहर से आने वाले थे वो हमारे भाई हैं, वो अपने शहरों के कोटे में भी जॉब्स लेते हैं और कराची का PRC और डोमिसाइल बनाकर भी जॉब लेते हैं, तो हमारा कोटा वहाँ भी चला गया, कोटा सिस्टम ख़त्म हो गया, खैर आई नहीं हो गया, फिर भी उस पर अमल दरामद सिंध में हो रहा है। तो ये जब सूरत हाल है तो मैंने कहा कि ये 1100 अरब मिलने चाहिए, देखिए 3 महीने हो गए अभी तक एक पैसा नहीं आया,
और कुछ पता नहीं, इसमें चार प्रोजेक्ट्स हैं, पानी के निकासी आपकी लाइनें और कचरा उठाने का निज़ाम और सर्कुलर रेलवे। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि सीवरेज को अभी आप कम पैसा दें, उसके ट्रीटमेंट प्लांट को 125 अरब दें, तो पहली बात उनकी तरजीहात गलत है। ज़्यादा पैसा पानी पे दे, आज 65 करोड़ गैलन की कमी है यौमिया पानी, 55 करोड़ कराची को मिल रहा है, तो ये 12 इन्होंने 3 मरलों में कि 26 करोड़ अभी, 26 करोड़ 4 साल के बाद, फिर 8 साल के बाद 2 सालों में 13 करोड़, तो 10 साल में जब 65 करोड़ गैलन कराची को मिलेगा तो उस वक्त कराची में कमी कितनी होगी, 85 करोड़ की। तो आप घूम फिर कर वहीं पर खड़े होंगे जहाँ से आपने सफ़र शुरू किया, तो अरबों रुपए, सैकड़ों अरब भी लगाएंगे और कमी वही होगी बल्कि ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि आपको क्रैश प्रोग्राम करना है वॉर फुटिंग पर, हंगामी बुनियाद पर, पहले कराची के तीनों पानी के मरलों को एक करके पूरे प्रोजेक्ट को K4 को 4 साल में मुकम्मल करना है, चाहे उसके ऊपर 300 अरब लगे, 400 अरब लगे, 1100 अरब का बड़ा चंक पानी पर लगना चाहिए। यही हमारी लाइफ लाइन। सो मच आपकी शिरकत का प्रोग्राम में नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।